नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों। असम भारत का वो राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अब राज्य की बॉट लिफ्ट फैक्ट्रीज पर ताला लगने वाला है। ये फैक्ट्रीज असम के कई जिलों में फैली हुई है। बताया जा रहा है कि टी बोर्ड की तरफ से बेहतरीन हरी चाय पत्तियों का उत्पादन ना होने की वजह से ये कदम उठाने का फैसला लिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि की सब्सिडियरी कंपनी ने असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल के बागान शुरू करने की योजना बनाई है। ये बागान किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सों में दाखिल लेने के लिए प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त और 19 सितंबर को ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी, लेकिन कृषि छात्रों को 5 अगस्त से पहले प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों की सहूलियत के लिए मौसम विभाग ने दामिनी, मौसम और मेघदूत नामक जैसी ऐप लॉन्च की है, जिसके जरिए किसान बारिश से लेकर बिजली चमकने तक की पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही किसान इस ऐप का प्रयोग करके मौसम को ध्यान में रखकर फसलों की कटाई और बुवाई भी कर सकेंगे। तो वहीं इस संबंध में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कृषि जागरण से इस ऐप के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। एक मेघदूत जैसे एक मोबाइल ऐप है, जिसमें लोकल लैंग्वेज में कृषि संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम देते हैं हफ्ता में 2 बार, वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 डेज। और जब भी कोई सीवर वेदर होता है इसका इन्फॉर्मेशन भी इसमें जाता है। इसको आप डाउनलोड करिए, यह iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मौसम विवरण को आप देख सकते हैं और इसको यूज करके आपका जो लॉसेस हो रहा है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और आपका जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका फाइनल आउटपुट बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा मोबाइल ऐप है वो है मौसम और दामिनी। दामिनी में आपको लाइटनिंग का विवरण मिलता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स फील्ड में रहते हैं और स्पेशली जो मौसम का सीजन होता है जुलाई अगस्त स्पेशली, इसमें बहुत सारे लाइटनिंग होता है। और लाइट हमारा जो स्टडी है इसमें पता चला है कि बहुत सारे कृषक भाइयों का किसान माल का नुकसान हो रहा है लाइटनिंग वजह से। सो आप मेघदूत मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करिए और लाइटनिंग का इन्फॉर्मेशन लेते हुए आपको सुरक्षित रखे और दूसरों को भी सुरक्षा दे। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान पर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जमीन में कटाव हो रहा है। इससे उन किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है जो यमुना खादर इलाके में लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की 300 से 400 बीघा जमीन पानी में बह गई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में किसान ऑर्गेनिक खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कैरी सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान ऑर्गेनिक सब्जियों का व्यवसाय कर घर घर जाकर ऑर्गेनिक सब्जियां बेच रहे हैं। किसान फसलों की सिंचाई और खेतों में पानी की मात्रा को लेकर अक्सर संशय में रहते हैं। किसानों की इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ICER गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की तरफ से एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो खेतों में कितनी नमी है इस बारे में जानकारी देगी, जिसकी कीमत प्रति यूनिट 1500 रुपये है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा की कई साल की मेहनत रंग लाई है। दरअसल गेहूं की नई किस्म विकसित करने वाले किसान नरेंद्र सिंह मेहरा को भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो गई है। आपको बता दें कि इसका ट्रायल उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक किया गया है, जहां इसके हर जगह अच्छे परिणाम मिले हैं। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।